Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to learn about the use of ANN. We call these as article. So let us just move ahead and see what is there in this concept. Read the following lines. यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ना है और देखते हैं क्या सीखने को मिलता है. A pigeon and an ant became friend. एक चींटी और एक कबूतर दोस्त बन जाते हैं. अब हमें नोटिस करना है that we used a before pigeon and an before ant. इस लाइन में हमने pigeon यानी कबूतर से पहले a यूज किया है और ant यानी चींटी के पहले an यूज किया है. ऐसा क्यों किया है? तो देखो क्या लिखा है. We use a before singular nouns that begin with consonants. An is used before singular nouns that begin with vowel sounds, A-E-I-O-U. Using this information, fill up the following blanks. अब ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको मुझे अच्छे से समझाने दीजिए, उसके बाद जो ब्लैंक्स दिए हुए वो हमें फिल करना है. तो सबसे पहले इसमें तीन चार चीजें आई हैं. सिंगुलर नाउन है ना, ये क्या होता है ये देखेंगे. फिर कॉन्सोनेंट आया है, वोवेल आया है, फिर ए और एन का यूज बताया है ना. तो चलो पहले हम सिंगुलर समझ लेते हैं कि होता क्या है. तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? नाउन मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, जानवर का, किताब का, ठीक है. तो नाम नाउन होता है. मैं यहाँ पर सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है ये बताती हूँ. अ सिंगुलर नाउन नेम्स ओनली वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और वन आइडिया. जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन. जैसे अ बुक, अ पेन, एक किताब है, एक पेन है ना. तो ये सिंगुलर है, एक चीज की बात कर रहे हैं. एक बुक है, एक पेन है. नाउ प्लूरल क्या होता है? अ नाउन दैट नेम्स टू और मोर पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज इज अ प्लूरल नाउन. अब जब हम किसी भी दो चीज की बात करें या दो से ज्यादा चीज की बात करें तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं. सिंगुलर सिंगल चीज की बात करें, एक चीज की बात करें. प्लूरल जब हम ज्यादा चीज की बात करें, जैसे ज्यादा किताबें हैं, ज्यादा पेन्स हैं. ओके, ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल. अब किसके आगे ए लगाना है और किसके आगे एन लगाना है वो सीखते हैं. तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट. ये 26 होते हैं. इसमें से पांच बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ ब्लू कलर में हाईलाइट है. ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है. और इनके अलावा जो बच गए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे जो बच गए इसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. ओके, सो वॉवेल्स कितने होते हैं? पांच. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? इन सभी को छोड़ के, यानी इन पांच को छोड़ के जितने बच गए सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि 21. तो हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं ये भी जान लिया, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है ये भी जान लिया. अब हम देखते हैं ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं. तो ए और एन हम सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है. इतना क्लियर है कि किसी एक चीज की बात हो रही हो तो ही हम एक और एन का यूज करते हैं. तो अ सिंगुलर नाउन नेम्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, है ना. मैंने अभी बताया सिंगुलर नाउन क्या होता है, जब हम एक व्यक्ति, एक पर्सन, किसी भी एक चीज की बात करें तो सिंगुलर होता है. अब हम ए कब लगाते हैं? वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट. अगर कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़कर किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए लगाते हैं. जैसे पिजन, पिजन पी से स्टार्ट हो रहा है, पी हमारा वॉवेल नहीं है, है ना, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो इसके आगे ए लगेगा. लेकिन एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, ए ई आई ओ यू. एन हम कब लगाते हैं? जब कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक चीज जब वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रही हो, यानी कि ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से. ओके, जैसे एंट, एंट किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, तो एन लगाएंगे. ओके, ए एंट नहीं बोलेंगे, एन एंट बोलेंगे. एक एग्जांपल आपको दूं, ऑरेंज, ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज. तो सबसे पहला लेटर क्या है? ओ, यानी वॉवेल है, तो हम बोलेंगे एन ऑरेंज, यानी एक संतरा. ए ऑरेंज नहीं बोलेंगे, एन ऑरेंज बोलेंगे. आई होप इट इज क्लियर कि ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं, राइट. अब हमें ए और एन समझ में आ गया है, तो अब नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं तो उसको हमें फिल करना है. चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए. इनमें
ए फिल करना है, क्यों चलिए देखते हैं। अ डॉग, डॉग डी से स्टार्ट हो रहा है ना, डी क्या है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए आएगा एन नहीं आएगा। और डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, एक कुत्ता पोस्टमैन के ऊपर भौंक रहा है। सेकंड है माय मदर गिव्स चपातीज टू डैश काओ एवरी डे, अब काओ सी से स्टार्ट हो रहा है, सी क्या है कॉन्सोनेंट है ना, तो ए लगेगा एन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है इन समर्स डैश स्पैरो, स्पैरो किससे स्टार्ट हो रहा है एस से, एस भी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए लगेगा। अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आर हाउस, गर्मियों में एक गोरैया चिड़िया हमारे घर के पास जो आम का पेड़ है उस पे अपना घोंसला बनाती है। ओके तो ये ए हो गया, अब एन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन। इसके लिए मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू के अगर लेटर्स है तो हम एन लगाते हैं। ओके सो एक एक करके देखते हैं, पहला क्या है आई सॉ डैश ईगल यस्टरडे, ईगल तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे। सेकेंड है माया बॉट डैश अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे। फिर है डैश आइसक्रीम मैन ड्रिंक्स हिज कार्ट इन द इवनिंग, ये जो आइसक्रीम वाला है शाम को अपनी जो आइसक्रीम की शॉप है या जो कार्ट है वो लेकर आता है, तो आइसक्रीम किससे स्टार्ट हो रहा है आई से, है ना, तो एन लगाएंगे क्योंकि ये सारे वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, अब हमें डिसाइड करना है कि हम ए फिल करें कि एन फिल करें। ओके सो पहला है डैश ब्राउन हैन लेड डैश एग, अब देखो ब्राउन बी से स्टार्ट हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट से तो यहाँ ए आएगा, लेकिन एग ई से स्टार्ट हो रहा है ना यानी वोवेल से तो यहाँ एन आएगा। नेक्स्ट है डैश ईगल सेट ऑन डैश बिल्डिंग, ईगल ई से स्टार्ट हो रहा है यानी वोवेल से तो यहाँ एन आएगा, और बिल्डिंग बी से स्टार्ट हो रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट से तो यहाँ ए आएगा। थर्ड है मैरी एट डैश एप्रिकॉट डैश चीकू एंड डैश ऑरेंज, अब देखो मैरी ने क्या क्या खाया एप्रिकॉट खाया तो एप्रिकॉट में ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ एन आएगा, चीकू सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, और ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है ये वॉवेल है तो एन आएगा, है ना। इजी था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एक बार और रिपीट करके आप देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।